तो मोदी सरकार 3.0 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब रख दिया है और इसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं। हालांकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एमएसएमई सेक्टर पर खास तरह से जोर दिया गया है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता, महंगा क्या हुआ है, सस्ता क्या हुआ है। क्योंकि देखिए, ये इसी महंगे सस्ते पर आपकी जेब डिपेंड करती है कि आपके जेब में कितने पैसे आए और कितने पैसे आपके जेब से निकल गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक है, वो बताएंगे क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। मयंक, कुछ फायदा हुआ क्या मिडिल क्लास को? देखिए, बजट से जो उम्मीद थी मिडिल क्लास को, उसमें सस्ता क्या क्या हुआ मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे मोबाइल फोन जो है, इसमें 15% जो है वो सीमा शुल्क कम कर दिया गया है, इससे मोबाइल फोन जो है वो सस्ते होंगे, मोबाइल चार्जर जो है वो सस्ते होंगे, इसके साथ साथ चमड़े का जो बना सामान है वो सस्ता होगा, सोलर पैनल जो है उनके कॉस्ट नहीं बढ़ाई गई है एक प्रकार से, वो भी उसी कीमत पे बनेंगे। इसके साथ सोने चांदी से बने जो गहने हैं वो जो है, यहाँ पे ये महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी है कि ड्यूटी जो है वो कम हुई है सोने चांदी पर, तो उनके लिए अच्छा है कि महिलाएं अब सोना खरीद सकेंगी जो इतने दिनों से रुकी हुई थी, अपने हाथ को रोक रखा था। क्यों मैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ इम्पोर्टेड ज्वेलरी जो है, इस पे नीलू ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, इम्पोर्टेड ज्वेलरी जो है उसकी कीमत काफी कम होगी क्योंकि ये भी सस्ती होने जा रही है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे बिजली के तार जो है वो सस्ते होने जा रहे हैं, एक्सरे मशीन जो है वो सस्ती हो रही है, कैंसर से जुड़े इलाज सस्ते होंगे, कैंसर से दवाएं जो है वो सस्ती होंगी, कैंसर से जुड़े जो उपकरण है इलाज में जिनका इस्तेमाल होता है वो सस्ते होंगे। और इसके साथ लेदर और चमड़े का सामान, मतलब महिलाएं भी जो बैग्स खरीदना पसंद करती हैं शॉपिंग के दौरान, बिल्कुल उनके लिए भी महिलाएं कहती हैं कि क्या सस्ता हो, क्योंकि बजट उन्हें बनाना पड़ता है। इसलिए कुछ चीजें जो मयंक ने बताया है कि जैसे सोना चांदी, जो एक्सपोर्ट की हुई ज्वेलरी है वो सस्ती हो जाएगी, लेदर के सामान सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल देखिए आजकल हर कोई रखना चाहता है और सरकार भी चाहती है कि सबके जेब में मोबाइल हो, तभी तो वो डिजिटल पेमेंट को उसको प्रमोट करती है। तो ये मान के चले कि एक तरफ बात हो रही है सस्ते महंगे की, तो थोड़ा इससे बजट कंट्रोल में आएगा बैंक, क्योंकि फोन सस्ता, सोना चांदी सस्ता, जो लग्जरी आइटम में गिने जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने बजट में जो है काफी बैलेंस बजट है, इसमें दो तीन तरह कोशिश की गई है। एक तरफ तो जो मिडिल क्लास है इनके पास पैसा आए, सरकार की कोशिश है कि रोजगार तेजी से बढ़े, लोगों की जेब में पैसा हो, है ना, इससे इकोनॉमी तेजी से मूव होने में काफी मदद मिलती है। और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है जो काफी उम्मीद लगाए बैठा था बजट से, इसको कहीं हद तक जो महंगाई का स्तर है उसे कम करने की कोशिश की गई है, कुछ आइटम्स जो मिडिल क्लास से जुड़े हैं इनको सस्ते करने की कोशिश की गई है, तो ये मिडिल क्लास के लिए कई चीजें हैं। ये अच्छी बात बोली कि अगर आपके जेब में पैसा होगा तभी आप खर्च करेंगे, और खास तौर पर मिडिल क्लास को टारगेट किया गया है, क्योंकि अगर सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो है वो मिडिल क्लास ही है, मिडिल क्लास ही ज्यादातर सरकार को टैक्स पे करता है, ऐसे में अगर उनके पास पैसे अच्छे खासे होंगे तभी तो वो बाजार में उसे देंगे, खपाएंगे, सामान खरीदेंगे और उससे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी बात है, चूंकि कैंसर जैसी बीमारी है बहुत पैसे खर्च होते हैं, स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा पैसे, उस पर भी अच्छा खासा फोकस रहा है सरकार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सरकार की पहले से नीति थी कि जो ऐसी दवाइयां हैं जिसपे बहुत ज्यादा खर्चा होता है या जो इलाज जिनपे बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसको कम करने की कोशिश की जाए, और आयुष्मान भारत के तहत भी, योजना के तहत भी जो है वो सस्ता इलाज देने की कोशिश की जा रही थी, तो अब जो है कैंसर से जुड़ा जो दवाइयां हैं वो भी सस्ती होने जा रही हैं, उससे जुड़ी जो मशीनें हैं जो जिनका इस्तेमाल होता है, चाहे वो कीमोथेरेपी में हो, रेडियोथेरेपी में हो, तो उससे जुड़ी जो चीजें हैं उस पे वो भी सस्ते होने जा रही हैं। अच्छा, जरा ये बता दीजिए महंगा क्या हो गया है? महंगा क्योंकि देखिए सबकी नजर ये रहती है कि महंगा क्या हुआ, अब तक जो चीज हम देखते थे कि सस्ता हो रहा है वो इस बार महंगा हो रहा है। महंगा बताएंगे क्या कि क्या चीज महंगी है? चीजें महंगी हैं, इसमें प्लास्टिक से बना जो सामान है वो महंगा होने जा रहा है, बल्कि अब तक हमने यही देखा था कि जब प्लास्टिक के सामान थोड़े सस्ते सस्ते थे, लेकिन इस बार जो है वो प्लास्टिक से, जैसा अभी तक बात समझ में आ रही है कि जो प्लास्टिक से बना सामान होगा ये महंगा होगा, लेकिन ये हर तरह की प्लास्टिक की चीजों पर लागू नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीजों पे ये लागू है। और उसी तरह दूर संचार के कुछ उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो कि दूर संचार में इस्तेमाल किए जाते हैं वो कुछ महंगे हो सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि जैसे टावर, ये बड़ी कंपनियों के लिए मे बी शायद अप्लाई हो, क्योंकि फोन सस्ता हुआ, लिथियम बैटरी सस्ती हुई है इसलिए कहा जा रहा है फोन सस्ता हुआ है, सोना चांदी क्योंकि कस्टम ड्यूटी उस पर घटाया गया है तो वो सस्ता हुआ है। तो ऐसे में आप समझिए कि आपके लिए क्या सस्ता है, क्या महंगा है। अभी और भी चीजें निकल कर सामने आएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ओवरऑल बजट कैसा रहा?
मुझे लगता है कि देखिए सरकार की तरफ से है ना बड़ी बैलेंस कोशिश है। एक तरफ तो इसमें महंगाई को कम करने की कोशिश की गई है, फिस्कल डेफिसिट जो है उसको नियंत्रण में रखने की कोशिश की गई है। मतलब ऐसा भी नहीं है, देखिए पहले प्रधानमंत्री की तरफ से और वित्त मंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि देश हित सबसे ऊपर है, तो उसी की पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया। प्रधानमंत्री ने कह भी दिया था कि 2047 में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बजट होगा जो 5 साल का रोड मैप तैयार करेगा और साथ ही 2047 का भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इस पे टैक्सेशन की बात नीलू अलग से करेंगे क्योंकि टैक्सेशन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिससे क्या फायदा होगा और मध्यम वर्ग को खासकर क्या फायदा होगा उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन बजट ओवरऑल मुझे काफी बैलेंस बजट लगता है, विजनरी बजट भी है और एक प्रकार से आने वाले 5 सालों का इसमें आपको एक विजन दिखाई देगा, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे वो महिलाओं के विकास की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात हो, किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, उसी तरह जो गांव में महिलाएं हैं उनके रोजगार के लिए काफी ऐलान है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये टोटल अगर आप देखें तो ये बड़ा बैलेंस बजट लगता है। चलिए बहुत बैलेंस बजट है, लेकिन देखिए अभी तो सिर्फ सस्ते महंगे की हमने बात की है, लेकिन अभी तो टैक्स रिजीम में जो कि छूट मिली है यानी कि उसके स्लैब में जो बदलाव हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि टैक्स रिजीम में किस तरह के स्लैब में बदलाव हुआ है और उससे आपको क्या फायदा होगा।